are going to solve question number 14 of miscellaneous exercise. One of the most important question and best question. Best question is here because this will काफी कुछ अच्छे concept use हो. So question number 14 is let S be the sum, P be the product, and R be the sum of reciprocals of n terms. S sum है, P उनका product है और R उनके reciprocals का sum है. N terms in a GP, एक GP में N terms का. Prove that P square is equal to S raised to the power N और P के साथ multiply में है R raised to the power N. Clear? Start करते हैं हम सबसे पहले question में. N terms of a GP आपको given है तो let कर लेते हैं. Let the terms of GP be कौन सी टर्म लेंगे ए ए आर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर रेज टू द पावर एन माइनस वन. क्लियर है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये सारी टर्म्स जीपी की टर्म्स होती हैं, जनरल टर्म्स होती हैं, हमने इनको लेट कर दिया. नाउ इसके बाद हमें जो फाइंड आउट करना है उसकी बात करते हैं. सबसे पहले सम एस इज इक्वल टू सम क्या होगा इन सब का एडिशन ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर रेज टू द पावर एन माइनस टू. क्लियर? इन दीज टर्म्स आपको पता चल गया है फर्स्ट टर्म इज ए एंड आर जो है कॉमन रेशियो को इससे डिवाइड करने में आर है. क्लियर? सम का जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे. एस इज इक्वल टू सम का फॉर्मूला होता है ए वन माइनस आर रेज टू दी पावर एन अपॉन वन माइनस आर. क्लियर? जब आपका आर क्या होता है लेस देन होता है वन से सो हम इसको सम लिख देते हैं और ग्रेटर होता है तो आपको ये पता है यहां क्या आ जाएगा आर रेज टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस. क्लियर है यहां तक? दोनों में से अभी हमको पता नहीं है आर की वैल्यू लेस देन वन है और ग्रेटर देन वन है, उसी पे डिपेंड करेगा कि हम कौन से वाला फॉर्मूला कंसीडर करते हैं. फर्स्ट आ गई हमारी इक्वेशन. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चल रहा है फर्स्ट जो स्टेटमेंट था सम का वो क्लियर हो गया है. आफ्टर दैट प्रोडक्ट की बात करते हैं. प्रोडक्ट ऑफ दीज टर्म्स इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट कीजिएगा. क्या आएगा ए इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर मल्टीप्लाई ए आर क्यूब मल्टीप्लाई ए आर रेज टू दी पावर एन माइनस. इनका जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे उस टाइम पे आप देखिएगा ए ए ए कहां तक है टर्म्स एन टर्म्स. सो ए की पावर वन प्लस वन कहां तक एन टाइम हो गई ए रेज टू दी पावर एन. क्लियर है? एन टाइम्स है तो पावर एन होगी. सिमिलरली यहां देखिएगा आर के अंदर क्या होगा आर वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस मल्टीप्लीकेशन में पावर एड होती जाएंगी कहां तक है एन माइनस वन. ठीक है? ए रेज टू द पावर एन एज इट इज है आर और ये जो फॉर्मूला है ये आप यहां थोड़ा सा देखिएगा वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू एन होता है तो सम होता है एन एन प्लस वन अपॉन टू सम ऑफ नेचुरल नंबर्स. यहां वन से स्टार्ट हो रहा है बट एन की वैल्यू एन को किससे रिप्लेस कर रहे हो आप एन माइनस वन से. सो इसके लिए जब सम होगा तो एन की जगह लिखा जाएगा एन माइनस वन यहां लिखा जाएगा एन माइनस वन और प्लस वन अपॉन टू. तो ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल आपके पास बच गया एन एन माइनस वन अपॉन टू. सो इसका सम मैं लिख सकता हूं एन एन माइनस वन अपॉन टू एन एन माइनस वन अपॉन. क्लियर? ये आ गया आपका प्रोडक्ट इक्वेशन नंबर इसको टू डिनोट करते हैं. ठीक है? अब थर्ड जा रहे हैं हम. थर्ड हमें बोला गया है आर बी द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ एन टर्म्स. इनके रेसिप्रोकल्स का जो सम है वो हमारा आर है तो देखिएगा आर इज इक्वल टू वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन आर रेसिप्रोकल्स यही होंगे प्लस वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन आर क्यूब प्लस अप टू एन टर्म्स.
से भी हमने लिखा। अब यहां से मैं आर की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं, तो यहां जो मैंने आर को अगर ग्रेटर देन वन लिया है तो आप यहां भी वही फॉर्मूला कंसिडर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट टर्म आपके पास में है ही, तो फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म आर रेज टू द पावर, आर की वैल्यू क्या है, इस टर्म को आप इससे डिवाइड कर दें, वन अपॉन ए आर को डिवाइड जब करोगे, वन अपॉन ए से तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ए अपॉन ए कैंसिल वन बाई आर, ठीक है। सो वन बाई आर रेज टू द पावर एन माइनस वन अपॉन वन बाई आर माइनस वन, ये मैंने फॉर्मूला यूज कर दिया सम का, ए ब्रैकेट r raise to the power n minus 1 upon r minus 1, r की वैल्यू 1 upon r होगी और फर्स्ट टर्म होगी 1 upon a, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 1 upon a ब्रैकेट 1 की पावर n तो 1 हो गया, r raise to the power n minus 1 upon 1 minus r minus 1, क्लियर। सिमिलरली थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, 1 upon a into, इसको जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास हो गया एन सेम लेने पे 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन आर की पावर एन इनटू, ये रेसिप्रोकल होगा मल्टीप्लाई बनेगा तो आर ऊपर गया अपॉन 1 माइनस आर नीचे आ गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आ गई हमारी आर इक्वेशन नंबर 3। अब आपको जो प्रूफ करना है उस पे फोकस कीजिएगा, क्वेश्चन अच्छा है बहुत, p स्क्वायर r रेज टू द पावर n इज इक्वल टू sn, सो आप ये भी कर सकते हो, इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो p स्क्वायर तो एज इट इज, ये s रेज टू द पावर n और ये डिवाइड में गया तो r रेज टू द पावर n, सो आप लिख सकते हो s अपॉन r होल रेज टू द पावर n, ठीक है। सो s अपॉन r फाइंड आउट करो, s अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगेन s अपॉन r फाइंड आउट करो, सम को डिवाइड कर देते हैं आर से, तो सम आपका जो आया है वो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारा सम आ गया a 1 माइनस आर रेज टू द पावर n 1 माइनस आर डिवाइडेड बाय आर, इस पूरे से डिवाइड करना है आपको, सो डिवाइड करोगे तो रेसिप्रोकल होगा ऊपर जाके, ये कंफर्म है, ठीक है। सो मैं डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर देता हूं, मल्टीप्लाई आर डिवाइड में आएगा बच्चों, फिर से कह रहा हूं ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल होती है ये, तो a अपॉन 1 ये हो गया आपका r रेज टू द पावर n 1 माइनस r n और ये हो गया 1 माइनस r अपॉन r, क्लियर है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिएगा इसको सॉल्व करता हूं मैं, 1 माइनस r से 1 माइनस r कैंसिल, 1 माइनस r रेज टू द पावर n से ये कैंसिल, आपके पास बचेगा a इनटू a a स्क्वायर हो गया, ठीक है, इनटू यहां देखिएगा r ऊपर जाएगा तो r की पावर हो गया n माइनस 1, ये r ऊपर गया नेगेटिव हो गया, r की वैल्यू हो गई पावर में n माइनस 1, किसके इक्वल लेके आना है, अब p देखते ही आपको पता चल जाएगा, p की वैल्यू आपके पास ये आ रही है, p की वैल्यू आ रही है, इसको इक्वल लेके आना है आपको p स्क्वायर के, किसके इक्वल लेके आना है p स्क्वायर। सो जैसे ही आपने इसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी उसको ध्यान से नोटिस कीजिएगा। अब देखो थोड़ा सा हमने क्या किया है, यहाँ पे r की वैल्यू 1 by a 1 by r n टर्म्स के लिए आप लिख रहे हो, ठीक है। सो ये आपने लिखा 1 by a और ये सारी चीजें ये सॉल्व कर लिया, इसको s upon r को पावर में क्या कर दो n से मल्टीप्लाई दोनों साइड में, क्योंकि हमको रिक्वायरमेंट जो है वो रिक्वायरमेंट है p square is equal to s upon r whole raised to the power n, ठीक है। जैसे ही आपने इसको n से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया a square into n a की पावर 2 है, ठीक है। इसको जब आपने मल्टीप्लाई किया तो r की पावर हो गया n minus 1 into साथ में n आ गया, और p square जो आ रहा है ये वाला square, ये आपके पास में स्क्वायरिंग करते ही देखिएगा क्या हो गया, इक्वल हो गया ये p स्क्वायर के, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं p स्क्वायर के इक्वल हो गया। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा फोकस इसी पे रखिएगा, p की जो वैल्यू है वो मैं पुट कर रहा हूं उसका स्क्वायर कर रहा हूं, p की ये वाली वैल्यू है इसको पुट करने के बाद इसका स्क्वायर कर देता हूं, तो p की वैल्यू है a की पावर n
आर की पावर एन एन माइनस वन अपॉन टू और इसका स्क्वायर किया तो आपके पास आएगा ए की पावर टू एन इंटू आर एन एन माइनस वन अपॉन टू इंटू टू, तो टू से टू कैंसिल इज इक्वल टू, ये एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास आरएचएस में है, सो आप लिख सकते हो इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस टू। क्या प्रूव किया? टी स्क्वायर की वैल्यू एग्जैक्टली जो आपके पास में आ रही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो ही आ गई। टी स्क्वायर को चेक किया, एस अपॉन आर रेज टू द पावर एन को चेक किया, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, बोथ साइड्स आर इक्वल, हेंस क्वेश्चन इज प्रूव, क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया है। क्लियर है? थोड़ा सा आप इसको अच्छे से देख लें क्वेश्चन को, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया, मैंने सेम वही चीजें यूज की हैं, सम फाइंड आउट किया, प्रोडक्ट फाइंड आउट किया नॉर्मल फॉर्मूले से, रेसिप्रोकल्स का सम फाइंड आउट किया और फिर उसको जो हमें प्रूव करना है उसमें वैल्यूज को पुट किया, पुट करने पे सॉल्व करते ही आपको रिजल्ट मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फटाफट, वो भी एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है क्योंकि जो एक प्रूफ के क्वेश्चंस होते हैं, प्रूफ दैट दिस इज इक्वल टू दिस, वो आपको स्पेसिफिक स्टेप के साथ ही फॉलो करने होंगे, अदरवाइज उस रिजल्ट तक आपको पहुंचने में प्रॉब्लम हो सकती है। सो स्टार्ट करता हूं नेक्स्ट, यस नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, इफ ए ब्रैकेट 1 प्लस बी प्लस 1 अपॉन सी कॉमा बी 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ए कॉमा सी 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी आर इन एपी, किस में है ये? एपी में है, प्रूव दैट ए बी सी आर आल्सो इन एपी, ये प्रूव करके दिखाना है कि ए बी सी जो है वो भी आपके एपी में है, तो क्वेश्चन को लेके चल रहा हूं, ये तीनों आपके एपी में, गिवन दैट ए ब्रैकेट 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी कॉमा बी 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ए कॉमा सी 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी आर इन एपी, एपी में है। ठीक है, सो एक बार मैं इन तीनों टर्म्स को अगर ये एपी में है तो लिख दिया मैंने, और लिख दिया आर इन एपी। अब एपी की हम प्रॉपर्टी जानते हैं, वी नो दैट द प्रॉपर्टी ऑफ एपी व्हेन वी मल्टीप्लाई विद एनी नंबर टू द गिवन एपी देन वी ऑब्टेन अनदर एपी, हमें दूसरी जो सीरीज मिलेगी वो भी एपी ही। ठीक है, एग्जांपल अगर देखना चाहो तो बहुत इजी है, 2 4 6 8 10 3 से मल्टीप्लाई करो तो पूरी इस एपी को, 3 2 जा 6 4 3 जा 12 6 3 जा 18 8 3 जा 24 क्या आ रही है? फॉर एपी आ रही है। ठीक है, सो इसको आप तीनों टर्म्स को सॉल्व करते हैं, ए यहां एलसीएम लेते हैं, कितना आ गया बीसी, ये हो गया आपका सी प्लस बी, यहां फिर से एलसीएम लेते हैं ये हो गया एसी। ठीक है, एलसीएम लोगे ऊपर तो ये सी इधर, ये ए प्लस सी, ये सी एज इट इज, फिर से एलसीएम लेते हैं ए बी और ये यहां बी प्लस, क्लियर, एपी में चल रहे। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, ए से जो बाहर ब्रैकेट के प्रेजेंट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए सी प्लस ए बी अपॉन बी सी कॉमा ए बी प्लस बी सी अपॉन ए सी कॉमा अगेन बी सी प्लस ए सी अपॉन ए बी, ये आपके पास तीनों टर्म्स को सॉल्व करने पे वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा, आप इनमें कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये वाली जो टर्म है ए बी प्लस इसमें बी सी मिसिंग है और ए सी है। ठीक है, यहां क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? यहां आपने देखा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इसमें नहीं है डिनोमिनेटर में, यहाँ क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? ए बी इसमें मिसिंग है और बी सी प्लस ए सी इसमें प्रेजेंट है और ए बी डिनोमिनेटर में, तो ऐसे टाइम पे आप इन तीनों टर्म्स को किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करके ऐसा कुछ कर सकते हो जिससे ये सॉल्व हो जाए टर्म्स? ऐसा पॉसिबल है कि आप इनको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो अपनी मर्जी से, कुछ भी ऐसा करो कि ये वाली जो आपकी टर्म्स हैं ये टर्म्स कन्वर्ट हो जाएं और आप कहां पहुंच जाओ? एबीसी के टर्म्स में पहुंच जाओ। सो एबीसी के टर्म्स में पहुंचने के लिए यहां से आपको कुछ
स्टेप अपनी मर्जी से लेने होंगे, उसके बाद कोई आपको प्रॉब्लम होगी नहीं अगर तीनों टर्म्स आपकी एपी में चल रही हैं। तो देखिएगा बच्चों, सबसे पहले मैं करता हूँ, अगर आपके न्यूमरेटर में कुछ ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में कुछ ऐड कर दो तो आपको पता है चेंज हो जाता है। जैसे टर्म लिखता हूँ मैं 2/3, इसमें 2 ऊपर ऐड किया, 2 ही नीचे ऐड किया, तो 4/5 हो गया। अब 2/3 का जो रिजल्ट है वो 4/5 का रिजल्ट आएगा, अभी ऐसा नहीं होता है, फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। सो इसमें इंक्लूड करना है मुझे इसको, कैसे भी करके मैं प्लस ए भी कर दूं, कैसे भी करके इसमें प्लस सी ए कर दूं, इसमें ए भी कर दूं, तो क्या ऐड किया जाए सबसे पहले आपको सोचना है। मैंने आपको बहुत बार कहा है क्वेश्चन के पीछे अगर आप नहीं सोचोगे तो आप उस वे तक, उस मेथड तक पहुंच नहीं सकते जहां से आप उसको सॉल्व करोगे। चलो इसकी मैं हिंट दे देता हूं आपको, ठीक है, वैसे भी वीडियो की लेंथ काफी होगी। ये देखिएगा ए बी सी एपी में होंगे तो आपके पास एक रीजन होगा ए बी सी एपी में होने का। आपको पता है कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इनका सेम होगा, तीनों का, तीनों का कॉमन डिफरेंस का मतलब बी माइनस ए और सी माइनस बी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, कॉमन डिफरेंस एपी की बात कर रहे हैं। सो आप इसको डायरेक्टली खुद से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हिंट दे दी है आपको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा ना देखो वो कुछ भी हो सकता है, हिंट देता हूँ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इससे भी मल्टीप्लाई हो सकता है पूरा, ठीक है, या फिर ए सी या फिर ए बी सी तीनों से भी हो सकता है। कुछ आपको अपनी तरफ से एक एफर्ट करना है, छोटा सा एफर्ट है, आई थिंक वो आप इजीली कर लेंगे। उसके बाद हमारे काफी क्वेश्चंस पेंडिंग हैं, तो अब मैं मेन मेन जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को स्टार्ट रखूंगा, ठीक है, आप उनको सॉल्व कीजिएगा, इसको डेफिनेटली सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी, इस टाइम मैं बता चुका हूँ, एक मल्टीप्लीकेशन देना है फिर एक और मल्टीप्लीकेशन देना, आपके पास आंसर आ जाएगा, रिजल्टेंट इसके जैसा बिल्कुल सेम आ जाएगा। जैसे आप ये भी जानते हो कि उनका कॉमन रेशियो तो जीपी में सेम होता है, कॉमन डिफरेंस इसमें होता है, तो कॉमन डिफरेंस का जो अर्थमेटिक मीन है वो प्रोसेस भी आप बना सकते हो, यहाँ पे इजीली बन जाएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।